महाराज का लिखा भजन है। क्या कह आया और क्या कर लिया, क्या कह के आए भगवान से? आप में से किसी ने भी भगवान से यह कहा था कि मैं तमाकू खाऊंगा? अगर आप पेट में भगवान से यह कहते कि मैं तमाकू खाऊंगा तो मैं लिख के दे सकता हूं भगवान इतना अच्छा है कि तुम्हें फिर वो मनुष्य बनाता ही नहीं। इसीलिए मैंने लिखा है ना, क्या कह आया और क्या कर लिया, और कैसा तूने जोग लिया, हाँ कैसा तूने योग लिया, आया था तू भोग भोगने पर भोगों ने भोग लिया, आया था तू भोग भोगने पर भोगों ने बताओ शरीर में बैठे बैठे कैसी स्प्रिंग सी कूद रही है तुम्हारे, क्या हो रहा है शरीर में बताओ ना, करंट सा कैसे आ रहा है? किसी का घुटना हिल रहा है, किसी की कमर हिल रही है, किसी का पैर का पंजा हिल रहा है, किसी की गर्दन हिल रही है, कोई तो घुटनों पे ढोलक बजा रहा है उधर बैठे बैठे। बोलो, अगर घर पर रहते तो यह वाइब्रेशन पैदा होता क्या? तमाकू खाते रहते और पड़े रहते किसी ओटे पर, किसी चबूतरे पर, फू पी पिचर। कैसा तूने योग लिया, कैसा तूने योग है तब तक ये वस्तु शक्तिशाली रहती है। पानी हो, अमृत हो, जूस हो, मनुका हो, किशमिश हो, जो भी चीज है आपके तलवे के ऊपर, जब तक जीव और तलवा के बीच में पदार्थ है खाने पीने का, तब तक ही वो शक्तिशाली है। और एक बार गले के नीचे उतर गया वो शक्तिहीन हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, बेकार हो जाता है। और गले से नीचे उतरने में कितना टाइम लगता बताओ? उसके लिए मर रहे खाने पीने के लिए कितनी देर लगती है? वो तुमने मुंह में डाला है उसे कितनी देर तक रखोगे बताओ? रबड़ी को कितनी देर मुंह में रखेंगे? जब तक वो मुंह में है और ऊपर तलवे की छू रही है, टच कर रही है, तो ही एनर्जी में जाता है, तो ही खून बनता है उसका। अगर वो तलवे को
ऐसे चला गया तो खून नहीं बनता उससे, इसीलिए दोबारा से क्या कहे आया का कर लिया, क्या कहे आया का कर लिया, आया का कर लिया। जो कह के आए वो याद है क्या, क्या कह के आए वो याद है क्या? नहीं। क्या कह आया क्या कर लिया, कह के क्या आया वो तो मैं बता देता हूं। यदश्चितं तदन रूपं देवं स्वर्गाधिपगर्यसी, हे भगवान मुझे मां के मलमूत्र के इस नरक से बाहर कर दो। भगवान ने कहा बाहर क्या करेगा जाके, अरे बाहर जाएगा तो तुझे काम करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी, मां के पेट में केवल एक प्रॉब्लम है, मलमूत्र में है, बाकी फ्री में मिल रहा है सब खाने को, बाहर जाके फ्री में नहीं है। पर फ्री के लिए घूम रहे, फ्री के लिए, बाहर जाके फ्री नहीं मिलता, मां के पेट में है फ्री में, पर वहां मलमूत्र है मलमूत्र। बालक कहता है भगवान मुझे बाहर निकाल दो, क्या करेगा क्या करेगा, तो कहा तुम्हारा भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ऐसे बाहर आया, बाहर आया तो भगवान ने कहा रे मूर्ख, एक में एक सेकंड हुआ बाहर गए हुए, एक सेकंड में मुझसे बातें कर रहा था और एक सेकंड के बाद बाहर जाते से ही वहां आंगा आंगा मम्मा मम्मा करने लग गया। क्या कह आया कर लिया, क्या कह आया कौन कौन भजन कर रहे भैया, भजन कौन कौन कर रहे? अंडा खाने वाला, तमाकू खाने वाला, बीड़ी पीने वाला, जुआ खेलने वाला, झूठ बोलने वाला, ये सब भजन कर रहे हैं, मतलब नहीं कर रहे, करके भी नहीं के बराबर है। कैसा तूने योग लिया ये, कैसा तूने आया था तू भोग भोगने, आया था तू भोग भोगने, पर भोगों ने भोग लिया, पर भोगों ने भोग लिया, पर भोगों ने भोग लिया, पर भोगों ने। मैंने बहुत ज्ञान लिया है ट्रेन में सफर करते करते। ए किधर गई ब्रश देना, ए किधर गई रूमाल देना, ओ हो, अगर ये ए नहीं रहेगा तो क्या दांत साफ नहीं करेगा, ये ए नहीं रही तो क्या मुंह नहीं पोछेगा। आया था तू भोग भोगने, पर भोग ने भोग लिया, आया था तू भोग भोगने, पर भोग ने भोग लिया, 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 पर भोग ने भोग लिया। भाई ये क्यों मर गया, ये क्यों मर गया, ये क्यों मर गया? सामने से आवाज आई, इसके दोनों लीवर चले गए। कैसे? क्योंकि 40 साल से लगातार थूक रहा है, ये लगातार पी रहा था इसलिए मर गया। पर भोगों ने, कई लोग हैं जिन्हें शराब की वजह से नींद नहीं आती, कई लोग हैं जिन्हें बिना पिए नींद नहीं आती, कई लोग हैं जिन्हें बिना तमाकू के शौच नहीं आती, पेट साफ नहीं होता बिना तमाकू के, ये क्या है? कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बिना लुगाई के नींद नहीं आती, पर भोगों ने भोग लिया। काली हो, टेढ़ी हो, लंगड़ी हो, पर कोई ना कोई हो साइड प्लीज, हॉर्न दीजिए।
हम विरोधी नहीं है भैया औरतों के साथ रहने के, पर कभी कभी मुश्किल ऐसी भी जीवन में आती है कि हम सफर कभी कभी साथ नहीं होता और रात हो जाती है, तो क्या फिर रात का आनंद नहीं लेना चाहिए है?